हेलो दोस्तों, जब कोई पुअर क्लास वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलेंगे तो वह सबसे पहले आईफोन खरीदने के बारे में सोचेगा या फिर कोई और एक्सपेंसिव लग्जरियस चीजों को खरीदने के बारे में सोचेगा ताकि वह खुद को अमीर दिखाकर शो ऑफ कर सके। जबकि रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलेंगे तो वह यह सोचेगा कि इस 1 लाख रुपए को वो कैसे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर वह 1 करोड़ रुपए कैसे बना सके, और इसके लिए वह खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, फाइनेंस एजुकेशन पर फोकस करेगा, इन्वेस्टिंग करेगा, जिससे कि अल्टीमेटली उसकी पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमारा माइंडसेट काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इंसान जो यह सोचता है कि वह अमीर बन सकता है, वह हमेशा स्किल्स को सीखने में, खुद को इम्प्रूव करने में और हर ऐसी चीज पर काम करने पर समय देगा जो उसे अमीर बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो यह सोच ले कि अमीर बनना सबकी बस की बात नहीं है, लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं, तो कभी भी खुद को इम्प्रूव करने में, स्किल्स सीखने में या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन लेने पर काम नहीं करेगा, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी नहीं बदलेगी। और ऐसे इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, तो इसी डिफरेंस प्रोसेस के कारण अमीर लोग और अमीर बनते रहते हैं, जबकि गरीब लोग और ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी कभी भी अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अमीर और गरीब जैसी कोई चीज नहीं होती है, लोग रिच और पुअर केवल अपने माइंडसेट की वजह से ही होते हैं। अगर किसी इंसान ने गरीब घर में जन्म लिया है और वो रिच वाला माइंडसेट कैरी करता है तो 90% चांसेस है कि आने वाले समय में वह भी वास्तव में अमीर बन ही जाएगा। जबकि अगर कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ है और माइंडसेट उसका पुअर वाला है तो फ्यूचर में भी इस बात की काफी हद तक गारंटी है कि वह अमीर घर में पैदा होने के बावजूद गरीब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है तो इसके लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी है रिच माइंडसेट को डेवलप करना। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको रिच माइंडसेट को डेवलप करने के लिए 4 ऐसे टिप्स दूंगा, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो फ्यूचर में आपके रिच बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप अपने बचपन से लेकर आज तक अपनी प्रेजेंट सिचुएशन तक उसको सबको अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपने खुद के अंदर केवल कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को डेवलप किया है, यानी कि आप सफल तभी हो पाओगे जब दूसरे आपसे पीछे रहेंगे। पर ऐसा माइंडसेट रिच बनने का सही रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए कॉम्पिटिशन से भी आगे जाकर कुछ सोचना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है और इन्वेंशन करना पड़ता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी और कुएं का सारा पानी सूख चुका है और गांव से नदी 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए इतनी दूर जाकर पानी लाना सबकी बस की बात नहीं है, जो कि एक काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल भरा रास्ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 लोग सामने आते हैं, राहुल और महेश, क्योंकि ये दोनों लोग बाहर से पढ़ाई करके आए थे तो इन्हें पता था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब कुछ दिनों तक तो राहुल खुद नदी तक जाता और बाल्टी से पानी लाकर गांव वालों को देता रहता, जिससे उसको पैसे मिलते रहते थे, और रमेश उस वक्त बाहर से सीख कर आता है कि कैसे पाइपलाइन के जरिए नदी का पानी गांव के सभी घरों को भेजा जा सकता है। जब रमेश वापस लौटता है और पूरे गांव में पाइपलाइन के जरिए पानी घर घर तक पहुंचा देता है, जिससे कि कुछ ही दिनों के बाद राहुल और रमेश दोनों ही इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाते हैं। एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, और ये रिच माइंडसेट वाले लोगों की सोच ही होती है। नाउ सेकेंड स्टेप है डेवलप द माइंडसेट ऑफ अक्वायरिंग एसेट। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं, रिच पीपल अक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास अक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। यानी अमीर लोग एसेट्स को खरीदते हैं और गरीब लोग केवल खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन वो यह सोचते हैं कि वो एसेट खरीद रहे हैं। एसेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पॉजिटिव इनकम डाल रही है, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती रहती है, जिससे आपकी वेल्थ घटती चली जाती है। अब आप एक गरीब आदमी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखिए,
या जितना कमाते हैं उतना ही पैसा खर्च कर देते हैं। इसी वजह से ना तो इनके पास कोई एसेट्स होते हैं और ना ही कोई इनकी लायबिलिटीज होती हैं। अब आप मिडिल क्लास वाले व्यक्ति का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखिए। इनका खर्चा हमेशा इनकी इनकम से ज्यादा ही होता है। ये लोग अपनी लायबिलिटीज पर खुलकर पैसा खर्च करते हैं और एसेट वाला कॉलम ज्यादातर टाइम खाली ही रह जाता है। और रिच क्लास वाले व्यक्ति का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि इनके सभी खर्चे इनकी इनकम से कम ही रहते हैं। इनके पास हमेशा लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स होते हैं, जिस वजह से इनको इतने पैसे आते रहते हैं जिससे कि इनके सारे खर्चे बहुत ही आराम से हो जाए। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स एक्वायर करने पर ज्यादा ध्यान दो। नाउ थर्ड स्टेप है डेवलप अ हैबिट ऑफ रेगुलर इन्वेस्टिंग। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आपने सोते हुए पैसे कमाने के तरीके नहीं ढूंढे हैं तो आपको मरते दम तक पैसों के लिए काम करते रहना पड़ेगा। और सोते हुए पैसे कमाने के सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपको और भी पैसे कमा कर देता है। और इन्वेस्टिंग की सबसे खास बात तो ये है, जब आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हो तो आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने पार्ट के आप उस कंपनी में ऑनर बन जाते हो, जिसमें आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। बस आप कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए और बैठे बैठे डिविडेंड के थ्रू और बढ़ते शेयर प्राइस के थ्रू पैसे कमाते रहिए। पर ये ध्यान रखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आप बिना रिसर्च किए स्टॉक मार्केट में निवेश करने गए तो आपका पैसा लिटरली लॉस में भी जा सकता है। और अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और मंथली SIP भी शुरू कर सकते हो, जहां स्मार्ट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से फंड कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट किए गए फंड को वो स्मार्टली काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं और इसके बाद में वह छोटी सी फीस चार्ज आपसे करते हैं। तो रिच माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टिंग करने की आदत डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ फोर्थ स्टेप है फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स रेदर देन फोकसिंग ऑन डिग्रीज। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग केवल डिग्री के पीछे ही भाग रहे हैं, बल्कि आपको कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपके पास कोई ऐसी रिक्वायर्ड स्किल हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है और उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आज के इस टाइम में लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, पर फिर भी इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। और हमारे देश की ऐसी हालत केवल इसलिए है क्योंकि स्कूल में रेदर देन फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज केवल टेक्स्ट बुक को रटवाने में ही फोकस किया जाता है। एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के पास उसकी डिग्री होने के बावजूद उसे प्रैक्टिकली तरह से किसी खराब मशीन को कैसे ठीक करना है या उसे नहीं आता है, क्योंकि उसने केवल बुक्स पढ़ी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो इस एग्जांपल को जानने के बाद अब तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि डिग्रीज तो इम्पोर्टेंट है ही, पर स्किल्स इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन आपको जीने लायक तो बना देगी, पर आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री सेल्फ एजुकेशन ही बनाएगी। और अमीर लोग अपने सेल्फ एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और फाइनेंशियली एजुकेशन लेते रहते हैं, जिससे वे अपने लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करते हैं ताकि वह हमेशा अपने कामों को लेकर मोटिवेटेड रह सकें, पूरे फोकस के साथ वेरी इफेक्टिव अपने काम को कर सकें और अपनी गलतियों से सीखते रहें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। तब जाकर अमीर लोग लंबे समय तक अपनी अमीरी को बरकरार रख पाते हैं, जबकि यह सारी क्वालिटी एक पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति में नहीं होती है। और इसलिए यह लोग सारी जिंदगी अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।